उत्साह निश्चयाधैर्यात् तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् संगत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्भक्तिः प्रसिद्ध्यते। तो अभी हम देखेंगे तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। जैसा कि पहले बताया जा चुका है, मनुष्य को विधि विधानों को संपन्न करने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अपितु अत्यधिक उत्साह दिखलाना चाहिए। तत्तत् कर्म प्रवर्तना, विधि विधानों की उपेक्षा से भक्ति विनष्ट हो जाती है। इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में चार मूल नियामक सिद्धांत है, अवैध मिथुन, मांसाहार, दूत क्रीड़ा तथा मादक द्रव्यों का सेवन, इन चारों का बहिष्कार। भक्त को इन सिद्धांतों का पालन करने में अत्यंत उत्साह दिखलाना चाहिए। यदि वह इनमें से किसी भी एक का पालन करने में शिथिलता बरतता है तो उसकी प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। अतएव श्रील रूप गोस्वामी की संस्तुति तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् मनुष्य को वैदिक भक्ति के विधि विधानों को कठोरता से पालन करना चाहिए। इन चार निषेधों यम के अतिरिक्त चार सकारात्मक विधियां नियम भी है, यथा प्रतिदिन जपमाला पर 16 माला का जप करना। इन अनुष्ठानों को उत्साहपूर्वक एवं श्रद्धा सहित संपन्न करना चाहिए। यही तत्तत् कर्म प्रवर्तन अर्थात भक्ति में विविध संलग्नता कहलाती है। जो तत्तत् कर्म प्रवर्तन, ये आपके जिस मार्ग को आपने स्वीकार किया है उसके कुछ विधि विधान होते हैं, उनको बिना झिझक और तंतोतंत पालन करना, इसको कहते हैं तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। नो हेजिटेशन और नो कॉम्प्रोमाइज। तो ये दो प्रकार बोल रहे प्रभुपाद जी, एक है यम और दूसरा है नियम। यम होते हैं ये मत करो, नियम होते हैं ये करो। तो यम में क्या है? हाँ, मांस खाना, जुआ खेलना, तो जो चार अवैध चीजें ये नहीं करने हैं। और नियम में क्या है? यहां पर एक ही उदाहरण दे रहे हैं, रोज सुबह है 16 माला जप करना, लेकिन हम सबको पता है कि वो ए बी सी डी डी। साधु संग, नाम कीर्तन, भागवत श्रवण, मथुरावास, श्रीमूर्तिर श्रद्धया सेवन। तो ये 5 मूलभूत तत्व जो है, साधु संग करना, भक्तों की संगति में रहना, नाम कीर्तन जप कीर्तन नियमित रूप से करना, भागवत श्रवण श्रीमद् भागवतम पाठ करना, मथुरावास अपने वातावरण को, घर को मथुरा के समान बनाकर उसमें वास करना, और श्रीमूर्तिर श्रद्धया सेवन, भगवान के अर्च विग्रह की सेवा करना। तो ये जो 5 है इनको कहा जाता है 5 मूलभूत नियम, हालांकि है 64। तो जब हम 4 नियामक तत्व कहते हैं वो कौन से हैं? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स। ये भक्ति के नियामक तत्व कहते हैं, तब कौन से हैं? 64। तो वो शब्द थोड़ा ध्यान देकर पढ़ना चाहिए। वो भक्ति के नियामक तत्व जब बात की जाती है तो उसका है वो 64 है टोटल, और इसका वर्णन आगे करेंगे जब हम भक्ति रसामृत सिंधु नेक्टर ऑफ डिवोशन ये पढ़ेंगे, तो उसमें ये सब विस्तार से हम देखेंगे कि ये नियम होते क्या है भक्ति करने के। तो इनको पालन करना कैसे? नो कॉम्प्रोमाइज, नो हेजिटेशन, हाँ, बिना झिझक और बिना कोई कटौती किए, हाँ, क्या कहते हैं उसको, कटिंग द कॉर्नर्स। तो ये इसमें अपेक्षित है तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। तो जैसे मैं बता रहा था कि नथिंग इज पर्टिकुलरली वेरी डिफिकल्ट व्हेन यू डिवाइड द जॉब इनटू स्मॉल डूएबल पार्ट्स। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज कठिन नहीं है जब आप उसके जो छोटे छोटे अंग होते हैं, जो करने में हम सक्षम होते हैं, उनको पकड़ लेते हो। जैसे हमारा टारगेट क्या है? कृष्ण प्रेम। तो हम बोलेंगे बापरे ये तो शायद ये जन्म में शायद नहीं, लेकिन उसकी बात करने से हम अगर बोलते हैं कि तुमको ये करना है तो ये कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? रोज का रोज कर सकते हैं।
So nothing is particularly difficult. As long as you can break it down to small chunks of parts that are doable. जैसे उदाहरण देना है तो मृदंग सीखना है, तो मृदंग में क्या है, मैंने एक नया टेक्निक निकाला था कि वो यू नो 2-1 और आउट इन, हाँ, तो जो उनका मैकेनिकल दिमाग चलता है, संगीत का ज्ञान भी नहीं है, तो वो ताल वो कब बजाने लगा उसको समझ में भी नहीं आएगा अगर वो केवल उस पद्धति को फॉलो करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो डुएबल, छोटे छोटे चंक में दिया गया है कि इतना ही करो, हाँ, 2-1 क्या हो 2-1-2-in-1-faint-strong-2, हाँ, तो उतना ही बजाना है, तो वो अपने आप बजता है वो, क्योंकि वो छोटा छोटा है, बना के दियो। ऐसे करके अलग अलग ताल वो बजाने लगता है आगे जाकर। तो इसीलिए आचार्यगण जो छोटी छोटी चीजें देते हैं उनको अच्छे से करना है। ऐसे कहते हैं कि नॉट ऑल ऑफ अस कैन डू ग्रेट थिंग्स, हमें से सब लोग क्या है, बड़े बड़े महान काम नहीं कर सकते, बट ऑल ऑफ अस कैन डू स्मॉल थिंग्स विद ग्रेट लव। हम छोटी छोटी चीजों को बहुत प्रीतिपूर्वक कर सकते हैं हर कोई व्यक्ति। तो इसीलिए जो दैनंदिन कार्य दिए हैं भक्ति के विधि विधान, उनको पालन करते समय हमेशा सोचना चाहिए कि ये जो छोटा सा है ना, अभी 2 घंटा बैठ के जप करना है, ठीक है, जान डाल के करेंगे, फिर अभी क्या है गुरु पूजा है, जान डाल के, अभी क्या है भागवत अटेंड करना है। तो ऐसे छोटे छोटे चंक्स को अगर बना देते हैं हम, जो डुएबल है, करने योग्य है, करने लायक, करने में हम सक्षम हैं, और उसके द्वारा धीरे धीरे वो बड़ा चीज़ हासिल हो जाता है जिसके हम पीछे पड़े हुए थे। ऐसे कोई भी अगर म्यूजिक सीखने जाता है तो उसमें तो ऐसा ही रहता है हमेशा कि वो बोलते हैं इतना ही करो, ज़्यादा पूरा सोचो मत कि तुमको ये सारी रागदारी कैसे आएगी, लेकिन वो धीरे 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 पूरा विकास हो जाता है उस चीज़ का। तो ये था तत्तत् कर्म प्रवर्तन। एक और चीज़ है इसमें, आचार्य जो नियम देते हैं वो कभी कभी हमें समझ में नहीं आते कि ऐसा क्यों है, लेकिन जो नियम दिए हुए हैं, जैसे कुछ कुछ लोग बोलते हैं ना प्रभु जी वो कांदा लहसुन में मेडिसिनल प्रॉपर्टी होता है प्रभु जी, और वो क्या है ना विशिष्ट बीमारी के लिए वो काम में आता है प्रभु जी, फिर उसको क्यों नहीं लेना चाहिए। तो उसका पहला उत्तर यही है कि आचार्यों ने कहा है। ऐसा जरूर नहीं कि हर एक उत्तर जो होता है वो तर्क के द्वारा ही दिया जाना चाहिए, कुछ उत्तर ऐसे होते हैं कि आचार्य ने कहा है। क्यों? क्योंकि आचार्य जो है उन्होंने सारा ये सारे शास्त्रों का निचोड़ उन्होंने प्राशन करके उसका मतितार्थ हमको दिया हुआ है, लेकिन आपको फिर भी तर्क चाहिए तो हम आगे बता सकते हैं कि वो ऐसा क्यों होता है। इसे भी कहते हैं, इस मूड को कहते हैं कि ये तत्त कर्म प्रवर्तनात् है, क्योंकि आचार्यों ने कहा है। बहुत बार हमें समझ में नहीं आता ऐसे ही क्यों करना, लेकिन ऐसे नहीं कि हम समझने का प्रयास नहीं करते हैं, लेकिन समझ में ना आए तो भी फॉलो करते हैं क्योंकि वो आचार्यों का आदेश है। इसे भी कहते हैं तत्त कर्म प्रवर्तनात्। तो अभी हम देखेंगे कुछ ऐसे चीजों को। रूपा जी कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं भक्त्यालोक, बाय द वे ये भक्त्यालोक आप में से किसने खरीदा है, मैंने बताया था जब एनवाई शुरू हुआ था, तो इसके जो पहले 4 श्लोक है या 3 श्लोक है उसके ऊपर एक सेपरेट पुस्तक लिखा गया है भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा, उसको कहते हैं भक्त्यालोक। तो अगर आप पढ़ सकते हो, उपलब्ध है वो, मैं उसमें से कुछ कोट बताऊंगा। Activities by which pure devotional service is cultivated are called tattat karma, prescribed duty. हम देखते हैं कि शबरी, उसके गुरु ने उनको कहा था कि राम आएंगे और हर दिन तुमको क्या करना है, ये कुटीर साफ करके रखना है, बेर लाकर रखने हैं, पानी रखना है, इस जो बैठने का आसन वो सब सेटअप करके रखना है, इवेंट मैनेजमेंट उसको बोलते हैं ना, वो अच्छे से कर कर रखना है। अभी शबरी को ये नहीं बोला गया था कि कब आने वाले, बोला गया था कि आने वाले, लेकिन उसका क्या था, तत्त कर्म। वो गुरु ने बोला था, मातंग ऋषि उनके गुरु थे, वो करती थी, रोज करती थी, बहुत आस लगा के बैठी रहती थी कि आएंगे भगवान, उनको ऐसा सुविधा उपलब्ध होगी।
नहीं आते थे, फिर शाम को वापस वाइंड अप करती थी मायूस होकर, क्या नहीं आया आज, अगले दिन वही उत्साह के साथ वापस चालू, सब रेडी करके रखती थी और नाम जप करते करते भगवान को आस लगा के ऐसे प्रार्थना करती थी कि आ जाए, नहीं आते थे। ऐसे कई सालों बीत गए, जब उसने दीक्षा ली थी उसकी उम्र रहेगी कुछ 12 साल 16 साल की, छबरी की। और राम जी आए कब, जब वो बहुत बूढ़ी हो गई थी, बहुत साल बीत गए थे। तो ये जो है कार्य, इसको कहते हैं तत्तत् कर्म प्रवर्तन। दूसरा उदाहरण है वो जो साउथ इंडियन ब्राह्मण था, जो गीता उल्टा पढ़ा करता था, ढंग से नहीं पढ़ता था, लोग हंसते थे फिर भी पढ़ता रहता था। और क्यों करता था वो, क्योंकि गुरु का आदेश था, हालांकि ज्यादा कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, लेकिन उसको भाव विभोर होता था वो गीता पढ़ते समय। तो चैतन्य महाप्रभु उसको सर्टिफिकेशन देते हैं कि यू आर बोनाफाइड कैंडिडेट। क्यों? तत्तत् कर्म प्रवर्तन। फिर आगे कहते हैं प्रभुपाद जी, कहते हैं कि इस संस्था को आप कोई चीप को क्या कहते हैं, सरल नहीं, सहज मत लो, क्या हल्का मत लो। अगर तुमको कृष्ण भावना चाहिए तो तुम्हें गुरु और शास्त्र में दृढ़ श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए मेरे ग्रंथों को स्क्रूटिनाइजिंगली गहराई से पढ़ो, 4 नियमों को कड़ाई से पालन करो, 16 माला जप 10 अपराधों से बचते हुए रोज करो। अगर तुम ऐसे करते हो तो ही तुम इसको सहज नहीं ले रहे हो, इस मूवमेंट को। आगे कहते हैं गुरु के आदेश के पालन, गुरु के आदेश के अनुसार अपने कार्यों को करो। तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। कृष्ण ने हमें ऐसे नहीं कहा है कि तुम्हारा सब मैं भक्ति का बेड़ा पार करा ही दूंगा तो मैं अभी सो जाता हूं, नहीं, एवरीथिंग विल कम ऑटोमेटिकली, ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि मैं बैठा रहूं और असल हरितर देल खाटलेवरी। हाँ, वो कहते हैं तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। आध्यात्मिक गुरु ने कहा है यू मस्ट डू दिस, यू मस्ट डू दैट, ये करना चाहिए तुमको, ये करना चाहिए, इसे कहते हैं तत्तत् कर्म प्रवर्तनात्। ऐसे नहीं कि मैं मेरी अभी दीक्षा हो गई कुछ भक्त ऐसे सोचते हैं, दीक्षा होने तक उत्साह, दीक्षा एक बार हो गई तो बोलते हैं हरे कृष्ण यद गत्वा न निवर्तन्ते, हाँ अभी मैंने परमोच्च धाम प्राप्त कर लिया, हाँ भगवान का। वैष्णव तत्व है कि गुरु के आदेश को पालन करना, जो शास्त्रों की ही आज्ञा के अनुरूप होती है। तो भगवद गीता में 12:9 श्लोक जो है, भगवान पहले कहते हैं मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय, निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशय, फुल्ली कृष्ण कॉन्शियस बनो। तो कोई कहता है नहीं है, फुल्ली नहीं है, तो बोलते ठीक है, अभ्यास योगे न ततः मामिच्छाप्तुं धनंजय, अगर नहीं कर सकते फुल टाइम कृष्ण कॉन्शियसनेस तो साधना भक्ति करो, पार्ट टाइम फुल अब्जॉर्प्शन दो और उस अब्जॉर्प्शन के क्वांटिटी और क्वालिटी को बढ़ाओ। तो इसको कहते हैं अभ्यास योग या साधना भक्ति। तो प्रभुपाद जी अंत में कहते हैं दिस प्रैक्टिस कैन हेल्प एनीवन राइज टू द लेवल ऑफ लव ऑफ गॉडहेड एंड देन ही इज श्योर ऑफ हिज प्रोग्रेस इनटू स्पिरिचुअल किंगडम ऑफ गॉड। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि सुबह जल्दी उठो, स्नान करो, मंदिर जाओ, प्रार्थना अर्पण करो, हरे कृष्ण जप करो, पुष्प इकट्ठा करो, भगवान को अर्पित करो, भोग बनाओ, भोग भगवान को चढ़ाओ, प्रसाद प्राप्त करो, इत्यादि इत्यादि। ये अगर तुम करते रहोगे तो क्या होगा, तुम्हें शुद्ध कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएगा। फिर प्रभुपाद कहते हैं अगर तुम दीक्षा लेना चाहते हो तो स्वागत है, लेकिन अगर तुम उदासीन हो इन नियमों को पालन करने के प्रति और तुम इसको एक ढोंग बनाना चाहते हो, फार्स, दैट इज योर बिजनेस, तो फिर वो तुम्हारा अपना प्रॉब्लम है। आई कैन नॉट गिव यू एनी प्रोटेक्शन, तो मैं तुम्हारी रक्षा माया से नहीं कर सकता। तो एक भक्त थे, दीक्षा ली, उसके दूसरे दिन ही भक्ति छोड़कर चले गए, वापस सारे नियम तोड़ने लगे। तो भक्तों ने जाकर प्रभुपाद जी से कहा कल दीक्षा हुई थी ये प्रभु की, आप भक्ति नहीं कर रहे। प्रभुपाद जी ने कहा ही डिड नॉट गेट इनिशिएटेड, उसकी दीक्षा नहीं हुई थी। तो उन्होंने कहा नहीं कल ही हुई थी
मैंने कहा ही डिड नॉट गेट इनिशिएटिव. नहीं प्रभुपाद यस्टरडे उसने कल ही लिया दीक्षा. वन हु डज नॉट फॉलो माई इंस्ट्रक्शंस इज नॉट माई डिसाइपल. जो मेरे आदेशों को पालन नहीं करता है वो मेरा शिष्य नहीं है, ऐसे प्रभुपाद जी ने कहा. तो यही इसका सार है. किसी का कोई प्रश्न है तत्त्व कर्म प्रवर्तन के बारे में? अभी आएगा असत संग त्याग, संग त्याग, और उसके आगे सतो वृत्ते है. ये थोड़ा सा कंबाइंड ही है एक दूसरे के साथ, क्योंकि हाथ में हाथ पकड़ के जाता है. ये असत संग त्याग करना और सत्संग करना, ये कैसा है? अगर मेरे हाथ में लाठी है और मेरे को डायरी उठानी है तो मैं क्या करता हूँ, वो लाठी को डालता हूँ और उसको उठाता हूँ, साइमल्टेनियसली होता है. तो संग त्याग चतुर्वृत्ति है, ऐसे उनका वर्णन आगे आएगा. पढ़िए. साथ ही भक्ति में सफलता के लिए मनुष्य को अवांछित लोगों की संगति त्याग देनी चाहिए. इनमें कर्मी, ज्ञानी, योगी तथा अन्य अभक्तगण का समावेश हो जाता है. एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु से उनके गृहस्थ भक्त ने वैष्णव मत के सामान्य सिद्धांतों एवं वैष्णव के सामान्य नित्य कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने तुरंत उत्तर दिया था, असत संग त्याग यही वैष्णव आचार. वैष्णव वह है जो संसारी लोगों या अभक्तों की संगति छोड़ दे. अतएव श्रील नरोत्तम दास ठाकुर ने संस्तुति की है, तादेर चरण सेवी भक्त सने वास. मनुष्य को शुद्ध भक्तों के संग में रहना चाहिए और पूर्ववर्ती आचार्यों षड गोस्वामियों द्वारा निर्धारित किए गए विधि विधानों का पालन करना चाहिए. यदि वह भक्तों की संगति करता है तो अभक्तों के साथ रहने का अवसर ही नहीं आता. अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ऐसे अनेक केंद्र खोल रहा है जिससे लोगों को भक्तों के साथ रहने तथा आध्यात्मिक जीवन के नियामक सिद्धांतों का अभ्यास करने के लिए आमंत्रित किया जा सके. आप देख रहे हो बार बार ये आता है, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस क्या कर रहा है. तो कहीं बोलते हैं, इसके पहले हमने सुना था कहाँ था वो, हाँ ये शुरू जब किया गया था इसको यश नहीं मिला था, लेकिन उत्साह से हम लगे रहे तो यश आ गया. तो ये यही सिखाने के लिए हमने ये संस्था स्थापन की है. अभी इधर कह रहे हैं क्या, लोगों को हम आमंत्रित करते हैं भक्तों के संगति में भक्ति के नियामक तत्वों को पालन करो. अब ये कौन से हो गए, चार हो गए, चौसठ हो गए, चौसठ हो गए, करेक्ट. प्रैक्टिस द रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ, ठीक है. तो अलग अलग प्रकार का संग अभी पहले हम वर्णन करेंगे. एक मिनट, हम सतोवृत्ति भी पढ़ लेते हैं अगला पैराग्राफ में. भक्ति में सेवा का अर्थ है दिव्य कार्यकलाप. दिव्य स्तर पर भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा किसी प्रकार का कलमश नहीं होता, यह विशुद्ध सत्व कहलाता है. अर्थात यह शुद्ध सत्व गुण का या रजो तथा तमो गुणों के कलमश से मुक्त सत्व गुण का स्तर है. इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हम चाहते हैं कि सभी लोग प्रातःकाल 4 बजे तक जग जाए और मंगल आरती अर्थात प्रातःकालीन पूजा में भाग ले. सभी लोग या सिर्फ ब्रह्मचारी लोग? ओके. तब श्रीमद् भागवत पढ़े, कीर्तन करे आदि आदि. इस प्रकार हम नित्य 2400 घंटे भक्ति के कार्यकलापों में संलग्न रहते हैं. यह सतोवृत्ति है अर्थात उन पूर्ववर्ती आचार्यों के पदचिन्हों का अनुगमन है जिन्होंने अपना प्रत्येक क्षण कृष्ण भावना भावित कार्यकलापों में बड़ी दक्षता से लगाया. तो संग त्याग और सतोवृत्ति. तो अभी ये जो वर्णन है ये किसका चल रहा है, संग का. संग किसके किसे कहते हैं? तो उसके दो स्वरूप होते हैं, एक होता है अटैचमेंट, दूसरा है एसोसिएशन. हम किसी चीज के प्रति आसक्त रहते हैं तो एक प्रकार का संग होता है, और किसी के संपर्क में रहते हैं एसोसिएशन, तो वह एक दूसरा संग होता है. तो एसोसिएशन किसके साथ होती है, अभक्तों के साथ. और ऐसे भौतिकवादी स्त्री या ऐसे भौतिकवादी पुरुष जो भौतिकवादी स्त्री से आसक्त है, इनका संग, इसको कहते हैं एसोसिएशन.
और साथ ही में हमारा एसोसिएशन और दो चीजों से होता रहता है, हमारे ही मन की धूर्त कल्पनाओं के साथ। हमारा बेस्ट नॉन डिवोटी फ्रेंड कौन है? हमारा ही मन, वो हमारे साथ 24 घंटा रहते हो और हम बहुत पट्टी बढ़ाते रहते हैं बीच बीच में कुछ कुछ। तो ये एक संग हो गया। और दूसरा है मटेरियल एसेट्स। हम जिन संसाधनों को कृष्ण की सेवा छोड़कर कुछ इंद्रिय तृप्ति के इस्तेमाल में लाते हैं, वो भी दूसरे प्रकार का असत्संग हो जाता है। तो संग त्याग क्यों चाहिए? तो कर्मी, ज्ञानी और अन्य अभक्त जो है उनके साथ संग हमें टालना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बंद करना है, कभी कारण अलग अलग प्रचार के कारण या वर्णाश्रम के कर्तव्यों के कारण पूरा बंद नहीं कर सकते, लेकिन अंदर ही अंदर हमें संग नहीं लेना है। हम हालांकि उनके संपर्क में रहते हैं, खास करके अभी बहुत सारे ऐसे आध्यात्मिक संस्थाएं भी निकल आई हैं। लगता तो है कि आध्यात्मिक है, लेकिन उनका ये जो दशमूल तत्व जो हमने बताया था ना, उसके साथ दूर दूर से कुछ लेना देना नहीं रहता है। उनका प्रमाण गलत रहते हैं, उनका सुप्रीम मतलब जो आराधना आराध्य देव कौन है सबसे बड़े वो गलत रहता है, उनका जीव तत्व प्रकृति तत्व के बारे में ज्ञान गलत रहता है, उनका साधन साध्य वो गलत रहता है, लेकिन वो दिखने में आध्यात्मिक दिखते हैं लोग। इनसे भी बचना चाहिए, नहीं तो कभी कभी आस्था संस्कार चैनल खोल के लोग बैठ जाते हैं, बोलते कुछ तो अच्छा ही बता रहे हैं ना, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। उदाहरण दिया जाता है कि अगर ऐसे स्वीट राइस का एक पूरा घड़ा भरा हो और उसके अंदर थोड़ा दो बूंद विष डाल दिया जाए तो क्या आप उसको खाओगे? हालांकि दिखने में पूरा कैसे दिखता है स्वीट राइस। ऐसे ही जो प्रवक्ता होते हैं उनकी जो भावना है, क्या वो कृष्ण भावना है या भोग भावना है, उसका असर हमारी चेतना पर होता रहता है जब भी हम उनको सबमिसिव ओरल रिसेप्शन प्रणिपात पूर्वक श्रवण करते हैं उनसे, तो उसका असर होता ही है वो जो बोल रहा है उस व्यक्ति का। और इसीलिए हमें ऐसे संग से बचना चाहिए। तो तीन उदाहरण है यहाँ पर कि कैसे भक्त भी असत संग के कारण उनका चेतना बाधित हो जाती है, चेतना में समस्या आती है। पहला है भरत महाराज, किसके साथ संग हुआ? वो हिरण के साथ, वो अति हिरण के साथ संग करने के कारण। दूसरा उदाहरण है कैकेयी का, किसके साथ संग किया? मंथरा। और तीसरा उदाहरण है सुग्रीव, उसने किसके साथ संग किया? वो वाली की स्त्रियों के साथ संग करने लगा, स्त्रियों के साथ, नॉट जस्ट वन, तारा थी वो उसके साथ, अपने भी रूमा और अन्य भी बहुत सारी स्त्रियों के साथ उसने संग लिया। तो उसके बाद वो भूल गया अपना प्रॉमिस जो दिया था राम को कि सीता का खोज करना है इत्यादि। तो फिर लक्ष्मण जाके थोड़ा गुस्सा दिखाकर उनको ट्रैक पर लेके आते हैं। तो ये सब उदाहरण किसके दिए जा रहे हैं? ये ऑलमोस्ट शुद्ध भक्त या शुद्ध भक्त के उदाहरण दिए जा रहे हैं। तो हम शायद दोनों में किधर भी नहीं बैठ रहे, हम छोटे मोटे भक्त हैं, भाव भक्ति के स्तर पर भी नहीं है, प्रेम भक्ति के स्तर पर भी नहीं है। ऐसे लोग अगर असत संग से कलुषित होते हैं तो हमारी क्या कथा। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु सार्वभौम भट्टाचार्य को बताते हैं कि कैसे असत संग से बचना चाहिए। एक महत्वपूर्ण श्लोक है, मेरे पीछे दोहराइए। निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य परम परम जिगमिशोर भवसागरस्य संदर्शनम विषयिनाम अथ योषिताम च हा हंत हंत विषभक्षण तोप्य साधु। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं ऐसे व्यक्ति को जो निष्किंचन बनकर भगवत भजन उन्मुख बनना चाह रहा है, पारम जिसको भवसागर पार करके भगवत धाम वापस जाने की इच्छा है, भवसागरस्य पारम, ऐसे व्यक्ति के लिए संदर्शनम, ऐसे नहीं कि संग मतलब जाके मिलना या ऐसे आलिंगन देना या बातें करना, केवल देखना ऐसे व्यक्तियों की तरफ, संदर्शनम
कौन? विषयी नाम, जो विषय में लिप्त हैं, अथ योषिताम च, और ऐसे स्त्री या स्त्रियों के प्रति आसक्त लोग हैं, ऐसे लोगों का संग करना, ये कैसा है? संग नहीं करना, दर्शन संदर्शन है, केवल देखना ऐसे लोगों को। हा हंत हंत, बड़ा डेंजर, ऐसे बोलते हैं वो। विष भक्षण तहा, ये मानो ऐसा है कि जानबूझकर विष खाने के जैसा है। अपि असाधु, ये अच्छा नहीं है उसके लिए। तो इसका उत्कृष्ट उदाहरण था अजामिल, ब्राह्मण परिवार में जन्म था, संस्कार अच्छे थे, बहुत भक्ति करता था, वो सारा ये साधु संग नामक कीर्तन भी करता रहेगा, भागवत श्रवण इत्यादि, लेकिन उसने एक ही बार देख लिया, संदर्शनम, ऐसे नहीं कि संग किया, मतलब जाकर मिला, बात किया। वो जो वेश्या थी और उसका जो कामुक ये था पार्टनर, वो देखने के बाद मन इतना विचलित हुआ कि उसके बाद उसका पतन हुआ। अभी हम लोग जब YouTube ये इंटरनेट वगैरह सब खोल के बैठे, कितने अजामिल लोग, कितने ऐसे लोगों को देखते हैं। तो इसीलिए हा हंत हंत, हाँ, चैतन्य महाप्रभु के वाणी को मन में लाना चाहिए। विषभक्षणतः, विषभक्षण का काम हो रहा है। विषभक्षण कैसे कह रहे हो? तो विषभक्षण वो केवल भौतिक शरीर को मार देता है, लेकिन ये विषभक्षण ऐसा है कि ये आध्यात्मिक प्रगति करने की वृत्ति को ही खत्म कर देता है। जो भी बचा कुचा हमारे अंदर था कि मुझे आध्यात्मिक प्रगति करनी है आगे चलकर जाके, उसको ही खत्म कर देता है, इसीलिए उसको विषभक्षण कहा गया है। और इसके बाद चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा? मैं किंग प्रताप रुद्र के साथ मिलने नहीं जाऊंगा। तो इसके लिए वो इतना सारा श्लोक सुनाए थे वो। क्यों? क्योंकि वो राजा जो है वो हमेशा आर्थिक और राजनीतिक कार्यों में लिप्त रहता है, तो मैं उसको मिलने नहीं जाऊंगा। आगे आता है वर्णन हमारे ही गलत धारणाओं का, हम प्रिजुडिस, गलत धारणा। तो कभी कभी हमारे अंदर भक्ति में आने के पूर्व जन्म के कुछ ऐसे प्रिजुडिस होते हैं, गलत धारणाएं होती है। जैसे हमने कुछ साधुओं को दिखा था, बीड़ी पीते हैं या कुछ उल्टे सुलटे काम करते हैं, या कुछ भक्ति के नाम पर कुछ उल्टे सुलटे काम देखे थे हमने, तो हम उस प्रिजुडिस को लेकर आते हैं। या फिर हम अपने ही आइडियाज और प्लान्स जो हमने पहले ही बना के रखे थे उसको बदलना नहीं चाहते हैं आध्यात्मिक गुरु के संपर्क में आने के बाद। हमने उसको पकड़ के रखा है, सक्सेस मतलब ये चीज। तीसरा है कि हम इन धारणाओं को लेकर आने के बाद अन्य भक्तों को भी उसी नजरिए से देखना शुरू करते हैं जो हमारी धारणाओं के कारण है, तो इसीलिए इनको छोड़ना बहुत कठिन होता है। ये भी संग चल रहा है, संग त्यागात करना है तो ये भी संग छोड़ना पड़ेगा। तो उसमें उदाहरण आता है, पहला उदाहरण है वो है युधिष्ठिर महाराज का। वो सत्यवादी इतने थे कि वो सत्य के प्रति, अपना जो प्रिजुडिस था उनका कि सत्य मतलब सर्वतोपरि, कृष्ण बोल रहे हैं कि अश्वत्थामा मर गया बोल दो, कृष्ण बोल रहे हैं कि एक और बार उनको कहते हैं कुछ करने के लिए, तो युधिष्ठिर महाराज वो करते नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके सत्य के प्रति जो निष्ठा थी वो कृष्ण के प्रति या कृष्ण के आदेश जो थे उसके भी ऊपर थी, और इसके कारण उनका जो रथ है वो जमीन को स्पर्श करता है उसके बाद, जो पहले हवा मतलब 2 इंच ऊपर से चलता था, जमीन को टच नहीं करता। तो ये उदाहरण है कि कितना कठिन होता है व्यक्ति को अपने संकल्पनाओं को छोड़ना। दूसरा उदाहरण है पुरुषोत्तम, एक पुरुषोत्तम प्रभु करके प्रभुपाद जी के शिष्य थे। उस समय वो मनुष्य चंद्रमा पर गया है, उसका क्या कहते हैं लाइव टेलीकास्ट, सादर नहीं वृत्तांत दिखाया जा रहा था। तो प्रभुपाद जी को वो मैसेज कर रहे थे और प्रभुपाद जी ने वो दिखा रहे थे टीवी पर वहां पर, प्रभु जी वो प्रभुपाद को कह रहे हैं कि वो हम चंद्रमा पर चले गए। They did not go. प्रभुपाद वो नहीं गए वो लोग। वो बोले प्रभुपाद दिखा रहे हैं वो। They went to some other place, not the moon. तो उनका इतना ये हो गया, वो सोच रहे थे बार बार ऐसे कैसे, आध्यात्मिक गुरु है ठीक है लेकिन कुछ भी, हाँ मतलब दुनिया का कुछ है कि नहीं तारतम्य, तो ऐसे उनको लग रहा था। और ऐसे 2-4 बार भी हुआ था उनके साथ कि उन्होंने प्रभुपाद जी को अलग अलग मूड में देखा था। जैसे प्रभुपाद जी एक बार वो सरस्वती आई
मालती माता जी की लड़की, तो वो प्रभुपाद जी ने प्रसाद देते समय उसने हाथ आगे किया, तो प्रभुपाद जी ने उसको बोला मुंह खोलो, और एक फ्लावर लेके वो मुंह में डाल दिया फूल लेके उसके। तो पुरुषोत्तम ने ऐसे वैसे कुछ चीजों को देखा था प्रभुपाद को करते, उसको लग रहा था कि ये व्यक्ति शायद इतना परिपक्व नहीं है स्पिरिचुअल लाइफ में जितना होना चाहिए, तो ऐसे वह धीरे धीरे अपराध करने लगा प्रभुपाद जी के प्रति। और ये जो था ये ऐसा फाइनल ब्लो था, एकदम आखिरी आघात। फिर प्रभुपाद जी ने बोला मून लैंडिंग पूरा फ्रॉड है, तो उसको लगा ये सब ज्यादा हो रहा था। तो उसके बाद वो भक्ति छोड़कर चले गए, क्यों? अपनी संकल्पना को छोड़ नहीं पा रहे थे। ऐसे मेरे साथ भी हुआ था जब मैंने पहली बार सुना मून लैंडिंग का केस, लेकिन एक अच्छा था, हमारे शिक्षा गुरु बहुत सतर्क और क्या कहते हैं अवेलेबल थे प्रश्न पूछने के लिए। तो उन्होंने मेरे को तीन उदाहरण बताए। पहला बताया कि सोम, जो मून का उदाहरण वर्णन आता है वेदों में, तो वो कैसा आता है? एक अच्छा हैबिटेबल प्लैनेट, मतलब जहां रहने योग्य है। ये जो वर्णन साइंटिस्ट बता रहे उससे मैच हो रहा है कि नहीं? बोला नहीं, वो कुछ विकृति वर्णन है, वो ऐसा नहीं वर्णन है। फिर उन्होंने कहा दूसरा, रविवार पहले आता है कि सोमवार, तो पहले कौन आना चाहिए सीक्वेंस में? क्योंकि वो सीक्वेंस भी है, रवि रवि सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि, उसी सीक्वेंस में है वो प्लैनेट्स। और ये सब जगह ऐसे संडे मंडे ऐसे देखिए हमारे की संस्कृति में। तीसरा उन्होंने उदाहरण बताया कि अगर कोई दूसरे ग्रह से आता है व्यक्ति और हमारे सहारा डेजर्ट मरुस्थल में आके उसका यान उतरता है, और उतर के नीचे आता है 10 किलोमीटर उधर 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 चल के जाता है, 20 किलोमीटर उधर चल के जाता है, 30 किलोमीटर उधर, और सब जगह देख के उसके यान में बैठ के वापस चला जाता है, और उसके घर पे जाकर बोलता है मैं पृथ्वी पर जाकर आया, वहाँ कोई वस्ती स्थान है नहीं, कोई जीव है नहीं, कुछ दिख नहीं रहा है, सब मरुस्थल के जैसा ऐसा सब वाड़ा। हम क्या बोले, अरे मूर्ख पूरा प्लैनेट देखना चाहिए ना ऐसे देखिए वो एक छोटा को आके तुम चले गए। तो ऐसे बहुत सारे तर्क उन्होंने दिए। कहने का तात्पर्य क्या था कि हमारे प्रिजुडिस जो होते हैं, आध्यात्मिक जीवन कैसा रहना चाहिए वो आचार्य को फॉलो नहीं करना है, हमारी गलत धारणाओं को फॉलो करना है, तो उसके कारण बाधा आती है। तो आगे कहते हैं हमारे जो अंदर स्क्रिप्ट्स बनती हैं, संस्कार बनते हैं, वो कहां से बनते हैं? हम जिन लोगों के साथ संग कर रहे हैं, जिस जगह पर रह रहे हैं, जिन वस्तुओं का संपर्क वारंवार कर रहे हैं, उसके कारण अलग अलग संस्कार बनते रहते हैं, और यही संस्कार हमारे धारणाओं को बनाते हैं कि किस धारणा परसेप्शन संकल्पना को हम पकड़ कर रखेंगे। तो ये संस्कारों को बदलना कैसे संभव हो? तो पहला है कि साधु संघ, साधु संघ के द्वारा हम जब उनको प्रणिपात और परिप्रश्न करते हैं तो बहुत सारी हमारी गलत संकल्पनाएं नष्ट हो जाती है। आप सबका अनुभव रहेगा अपने जीवन में कि आपको कुछ लगता था कि ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, किसी साधु से आप बात करते हो तो कुछ ही क्षणों में समझ में आने लगता है कि नहीं वो गलत धारणाएं थी, ये सही धारणा है। आपने अगर वो पुस्तक कभी पढ़ी या भी नहीं पढ़ना, भक्ति शास्त्री भक्ति वैभव होने के बाद पढ़ना है, वो है जैव धर्म भक्ति विनोद ठाकुर का, उसमें प्रश्नोत्तर के रूप में सारे संकल्पनाओं को क्लियर करते जाते हैं, बहुत अच्छा पुस्तक है। तो ये एक उदाहरण के रूप में कि साधु संघ कैसे हो। फिर प्रेम भक्ति जहां होए थे अविद्या विनाश है, अविद्या मतलब क्या है? मिसकॉन्सेप्शंस, गलत धारणा है। जब प्रेम भक्ति आती है, गुरु के चरणों में आश्रित होते हैं, भक्ति कर रहे हैं, अपने आप जो हम सुनते हैं वो तर्क के द्वारा भी और अनुभव के द्वारा भी हम उसको स्वीकार करना शुरू करते हैं, जितना इसका विकास होता है। तो इतना जरूरी है कि आपके शिक्षा और दीक्षा गुरु के प्रति आपको प्रेम हो, लेकिन कभी कभी वो मुश्किल है, तो कम से कम आचार्य जो हैं, जो हमारे अथॉरिटी है, उनसे तो शुरू करना ही चाहिए। जैसे नारद हैं, व्यास हैं, इनके प्रति हमें आसक्ति होनी चाहिए, और ऐसे करते करते हम अपने गुरुवर्गों की तरफ आ सकते हैं। तो ये भी बताया था संघ कैसा होता है अलग अलग प्रकार से। तो प्रभु जी कहते हैं कि हम क्यों ये इस्कॉन के मंदिर बांध रहे हैं,
भक्तों के संग में रहने की सुविधा प्रदान करने के लिए, बस यही एकमात्र कारण है ये क्यों इस्कॉन बनाया जा रहा है। और उसके के द्वारा क्या होगा, साधु संग के द्वारा, ये भौतिक भक्ति के 64 नियामक तत्व जो है वो हम नियमित रूप से पालन करना सीख जाएंगे, यह इसका कारण है। अब प्रचार के बारे में कहने जाए तो ऐसा होता है कि प्रचार करते समय संग त्याग तत्व कैसे पालन किया जाए। तो हम जिनके संपर्क में आते हैं हम अपने वाणी या अपने व्यवहार के द्वारा उनके चेतना को प्रभावित करते हैं, उसको कहते हैं संग देना। अगर उनकी वाणी उनके विचार उनके व्यवहार से हम प्रभावित हो जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं, संग लेना। तो इसीलिए हम प्रचार के लिए जब जाते हैं तो क्या करना है, संग देना। ऐसे कुछ कुछ हमारे भागवतम कथाकार हैं, इतना जबरदस्त भागवतम कथा बोलते हैं लेकिन भागवत कथा बोलने के तो रुकते नहीं है, क्यों? फिर लोग आके अपना संग देना चालू करते हैं। वो भागवत कथा में अपना संग देते हैं फिर चले जाते हैं वहां से, वो लेने के लिए रुकते नहीं। लेकिन अगर आप में क्षमता है संग देने की लोगों को तो ही आप ऐसे रिस्क को ले सकते हो। तो ये था संग त्याग। किसी का कोई प्रश्न है? यस ब्रो, माइक दीजिए उनको पीछे ऑन करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, हम लोग बिजनेस करते हैं और भक्ति के सभी नियमक तत्वों का पालन करके भी करते हैं, तो संग बिजनेस में बहुत जगह पे आता है, तो कैसे हम मासद संग का त्याग कर सकते हो? मैं इसका उदाहरण एक बार पहले बोल चुका हूँ, मैंने कुछ 5-6 चीज बोले थे। पहला चीज है कि हमें मॉर्निंग साधना बहुत अच्छी करनी चाहिए। इट्स लाइक द कबड्डी करने से पहले सांस भर के लेता ना व्यक्ति, तो वैसा है वो। दूसरा मैंने कहा था कि काम शुरू करने के पहले और बाद में हमेशा प्रार्थना पूर्वक करना चाहिए, ओम अज्ञान अधिविरांधस्य जो भी आपकी फेवरेट प्रेयर से भगवान को वो अर्पण करनी चाहिए, ताकि वो जो चेतना है कार्य करते समय की वो कृष्ण भावना भावित रहे। हालांकि लोग कुछ भी कर रहे हैं अपने आजू बाजू, जैसे मैं BA/MED जब कर रहा था मेरा, तो मेरे कॉलेज में 2-4 ऐसे लोग थे जो बहुत स्त्री संगी और असत संग देने में माहिर थे एकदम, एक दूसरे को उनका व्हाट्सएप ग्रुप में तो इतना कचरा आता था, यू नो पढ़ाई कुछ नहीं बाकी सब कचरा ही चलता रहता था। और उनको ये भी था कि ये इसके सब कॉम्पिटिशन करने, ये हरे कृष्ण वाला आ रहा है ना, तो मुझे किसी से कॉम्पिटिशन नहीं थी, मैं पढ़ने के लिए जा रहा था, मेरे को मार्क्स भी नहीं चाहिए उतने। लेकिन वो टॉपर आने के बावजूद भी वो लोग असंतुष्ट थे उनके जीवन में। ऐसे 2 बार हुआ उनके साथ, छोटे छोटे परीक्षा में मार्क कम आए, मतलब मेरे 3rd-4th रैंकिंग में था, वो फर्स्ट से। पहली 2 परीक्षा में ऐसा होने के बाद उन्हें आके मेरे को पूछा कि तुम शायद ज्ञानार्जन के लिए पढ़ रहे हो इसलिए संतुष्ट हो, और हम लोग केवल दिखावे के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए असंतुष्ट है, तो तुम्हारा सीक्रेट बताओ क्या करना है हमको। तो मैंने उनको बोला देखो पहला काम करना है कि उद्दिष्ट तय करो किस लिए कर रहे हो जो कर रहे हो, क्योंकि माइंड इज एजिटेटेड फॉर वांट ऑफ अ क्लियर गोल। फिर दूसरा है उद्दिष्ट पूर्ति के बाद भगवान से प्रार्थना करो कि मुझे शक्ति दो ये करने के लिए, तो उसके लिए हरे कृष्ण जप करो। और तीसरा है कि ये उद्दिष्ट प्राप्त करते समय हमेशा यह सोचो कि आई शुड रिलिश व्हाट आई एम डूइंग नॉट व्हाट आई शुड गेट। जो अभी कर रहे हैं उसमें आनंद लो, जो भी अभी छोटा भी एक पैराग्राफ पढ़ता है कोई व्यक्ति उसमें पूरा ध्यान दो, वहाँ से जो ज्ञानार्जन होना है उसकी तरफ ध्यान दो। ऐसे नहीं कि ये पढ़ के रट्टा मार के कैसा एग्जाम में नंबर लाऊंगा फिर उसका, यू नो वो सब फ्यूचर नहीं करना। तो कभी कभी हम केवल ऐसे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत स्थितप्रज्ञ हूँ, लेकिन कम से कम अपने कार्य को ढंग से करते हैं तो लोग प्रेरित होते हैं पूछने के लिए कि तुम ऐसे क्यों करते हो, तब हमें संग देने का मौका मिलता है और हमें वो देना चाहिए लोगों को, ताकि हमें ऐसा एसोसिएशन क्रिएट करने को मिले जो असत संग ना हो आगे चलकर।
तो ये हम अपना प्रभाव डाल सकते हैं धीरे धीरे। चौथा चीज करना चाहिए कि हमें वर्क प्लेस में वेरी प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स मेंटेन करने हैं, रिस्पेक्टफुल, प्रोफेशनल एंड टू द पॉइंट, मतलब टास्क ओरिएंटेड। हम भक्तों के साथ टास्क ओरिएंटेड रहते हैं, भौतिकवादों के लोग बहुत गले जाके मिलते रहते हैं क्योंकि उसको लग रहा है कि अरे पैसा ज़्यादा देगा या प्रमोशन कराएगा, तो उल्टा करना चाहिए। तो हम जितना अच्छे से प्रोफेशनली डील करते हैं लोग हमारे केस पर चढ़ नहीं सकते ज़्यादा। हमारी समस्या क्या क्या होती है, हमको यहाँ से अगर जूस नहीं मिलता तो वहाँ जाके जूस ढूंढने का प्रयास करते हैं उनके संगति में। और एक चीज़ करनी चाहिए वो है कि खास करके हमारा जो जॉब डिस्क्रिप्शन है या बिजनेस है वो लिख कर रखना चाहिए कि मैं हमारा जो टाइम टेबल्स हैं, स्केड्यूल्स हैं, एक्टिविटीज़ है वो सुनियोजित करने चाहिए। कभी कभी असत्संग इसके कारण होता है क्योंकि हमारा कुछ एजेंडा ही नहीं है। वी अलाउ द डे टू बी रन बाय रैंडमनेस, ऐसे बोलते हैं उसको, कि हमारा दिन कैसे जाता है, आया राम गया राम, मतलब जैसा चला है चलने दो। तो वो लोग आके हमारे टाइम को हाईजैक करते हैं या कुछ अलग करवाते हैं, तो हमारे को उसका एजेंडा ही नहीं कुछ ना बोलने के लिए भी। तो सुनियोजित जितना हम जिएंगे उतना हमारा समय जो है बर्बाद नहीं होगा ऐसे असत्संग में, तो ये भी एक कर सकते हैं। तो अभी और एक बार देखेंगे सतोवृत्ते है। सतोवृत्ति का अर्थ क्या है, सत कौन है, भगवान के विशुद्ध भक्त जैसे आचार्य। वृत्ते हैं मतलब उनके चरण चिन्हों का अनुगमन करना, उसको कहते हैं सतोवृत्ते। तो अगर हमें परम सत्य क्या है जानना है तो वो तर्क के द्वारा नहीं जाना जा सकता है। धर्मस्थ तत्वम निहितो गुहायाम महाजनो ये न गता स पंथ, महाजनों ने जो पंथ दिया है उसके ऊपर चलकर ही हम परम सत्य को जान सकते हैं। तो दो हैं, एक है आचार्यों ने हमको एक जीवन शैली दी है उसको पालन करना, इसका वर्णन प्रभुपाद जी ने किया था अभी, जैसे मंगल आरती इत्यादि प्रभुपाद कह रहे थे ना, ये सतोवृत्ते कहलाता है, आचार्यों ने दी हुई जीवन शैली को अपनाना। दूसरा है कि जैसे जीवन शैली में ये भी आता है, पहराव से लेकर हम किस बोली को बोलते हैं, कौन सी संस्कृति को पालन करते हैं इत्यादि, तो ये सब संस्कृति भी सतोवृत्ते में आती है। तो प्रभुपाद जी ने हमें एक प्रोग्राम दिया है, पूरा मॉर्निंग प्रोग्राम और उसके बाद डे फिल्ड विद कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज, चाहे वो वर्णाश्रम की गतिविधियां क्यों ना हो लेकिन हम पूरा कृष्ण भावना के साथ उनको कर सकते हैं, बच्चों की परवरिश से लेकर बॉस के झमेले सॉर्ट आउट करने तक, अगर हम सही चेतना में है तो। तो सत्वृत्ति महत्वपूर्ण क्यों है, पहला है कि हमारा समय और शक्ति बहुत बचाती है। अगर हम कुछ अलग करने जाएंगे आचार्यों के आदेश के विपरीत तो बहुत बार हम देखेंगे कि हमारा समय बर्बाद हो चुका है और हमारी शक्ति व्यय हो गई है। दूसरा है जैसे पगडंडी होती है ना, कभी कभी विलेजेस में एक जगह से दूसरा जगह जाना है तो कहीं आदमी नहीं भी दिखाई पड़ता कभी कभी, लेकिन वो पगडंडी होती है, वो लोग बोलते हैं कि इसको पकड़ो चलते रहो तो बराबर दिखे व्यक्ति जाता है उधर अपनी जगह पर। ऐसे ही यह जो मार्ग है, महाजनो ये न गतः स पंथः, खास करके जो चीजें हमारे संकल्पना के परे हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, उसको जानेंगे कैसे हम, उसके द्वारा ही जान सकते हैं जब कोई दृष्टा जिसने उस संकल्पना का साक्षात्कार किया है वो हमें समझाता है। और इसीलिए भगवान कहते हैं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्व है लेकिन वो दिखाने वाला व्यक्ति चाहिए, इसीलिए उनकी जरूरत पड़ती है। और दूसरा है भक्ति का जो मार्ग है वो कृपा का मार्ग है, वो व्यक्तिगत प्रयास का मार्ग नहीं है। व्यक्तिगत प्रयास इसलिए कर रहे हैं ताकि कृपा मिले, तो इसको डिसेंडिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो जितना कृपा प्राप्त करता है व्यक्ति उतना जल्दी प्रगति साधता है, उल्टा नहीं। कभी कभी प्रयास किया है लेकिन कृपा नहीं मिली है, वरिष्ठों से कृपा नहीं मिली या गुरु से कृपा नहीं मिली,
तो प्रयास जो होता है केवल उससे ही प्राप्त नहीं होता। रूपा जी उदाहरण देते हैं कि कोई रईस व्यक्ति है, उसको संतुष्ट करना बहुत कठिन रहता है क्योंकि उसका सब कुछ है, लेकिन आप जाके उसके बच्चे को टॉफी खिलाओ, थोड़ा प्रेम दिखाओ, तो अपने आप वो बड़ा व्यक्ति जो होता है वो आपके प्रति सहृदय बन जाता है। ऐसे ही कृष्ण के भक्तों के संग में हम आसानी से कृष्ण की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो क्या करना है और क्या नहीं करना है सत्ववृत्ति के अनुशीलन में, तो पहला है कि अपने आध्यात्मिक प्राधान्यताओं को बनाए रखो, इसको कहते हैं सत्ववृत्ति। दूसरा है प्रभुपाद जी के शिक्षा, उनके मूड और मिशन और उनके उदाहरण को जानो और पालन करो। तीसरा अनुकरण नहीं करो, अनुसरण करो। अनुकरण मतलब क्या, जैसे शिवजी ने हलाहल पिया तो शिवजी के फॉलोअर क्या करते हैं, गांजा पीते हैं, बोलते हैं हम पार्ट एंड पार्सल, हाँ छोटा छोटा करते हैं, लेकिन तुम फिर भी मरोगे क्योंकि तुम उस स्तर पर नहीं हो। तो ये अनुकरण करने का प्रयास था। अनुसरण मतलब शिवजी ने हलाहल पिया, उसके पीछे का तत्व क्या है, अन्यों के भलाई के लिए मुझे तकलीफ उठानी चाहिए, ये पालन करो, इसको कहते हैं अनुसरण। तो सत्ववृत्ति में दो भाग आते हैं, अनुकरण नहीं करना है, अनुसरण करना है। तो हमारा फुल मॉर्निंग प्रोग्राम जो है 64 तत्व है, 4 नियम है, रूपा जी ने कहा। खास करके इस्कॉन में आने के बाद हमें कभी कभी ऐसा लगता है कि ये वैष्णव गीतों से मेरा दिल नहीं भर रहा है, और हम कुछ नए नए ट्यून, नए नए गीत, नए नए कुछ कुछ लेकर आते हैं बाहर से, वैरायटी थोड़ा, तो ये सत्ववृत्ति नहीं है। ये तब तक स्वीकार किया जा सकता है जिसका कोई शैक्षिक मूल्य हो, एजुकेशनल वैल्यू, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि उनकी मिलावट के बिना हमारी भक्ति खुश हम खुशी से नहीं कर सकते। रूपा जी कहते हैं एनी एक्टिविटीज ऑफ द वैष्णवा यू शुड ऑलवेज प्रे टू द प्रीवियस आचार्यस, काइंडली हेल्प मी, काइंडली हेल्प मी। हम कोई भी कार्य करने जा रहे हैं तो उसके पहले वैष्णव आचार्य को प्रार्थना करनी चाहिए, कृपया मेरी मदद करें इस कार्य में, इसको भी कहते हैं सत्ववृत्ति। आपने सुना है बुक्स आर द बेसिस, यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल, प्योरिटी इज द फोर्स, प्रीचिंग इज द एसेंस। तो किताबें जो है हमारी, वो हमारा मूल आधार है, सिद्धांत। और युक्त वैराग्य मतलब सभी चीजों को भगवान की सेवा में कैसे जोड़ना, इसको यूटिलिटी कहते हैं, ये हमारा तत्व है। शुद्धता हमारी शक्ति है, जितनी हम शुद्ध हैं उतना हम शक्तिशाली हैं। और प्रचार ही हमारा सार है, ये इस्कॉन के कुछ चीजें हैं। इनको पालन करना, मूड डिस्ट्रीब्यूशन करना, सुनियोजित रूप से चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, शुद्धता बनाए रखना, प्रचार करना, इसको भी सत्ववृत्ति कहते हैं। अगर ये हम नियमितता से नहीं करेंगे तो कालांतर में क्या हो जाएगा, इस्कॉन में बक्स आर द बेसिस, बक्स मीन्स मनी एंड प्यूरिटी इज द फार्स, शुद्धता का केवल दिखावा है, और चीटिंग इज द एसेंस, लोगों को ठगना हमारा काम है, और यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल का भी कुछ है ऐसा। नहीं, याद नहीं आ रहा, तो ऐसे हमें नहीं बनना है, इसीलिए सत्ववृत्ति जरूरी है। और खास करके ये जो इस्कॉन के साथ उद्दिष्ट हैं, इनके बारे में पहले इनकी मालूमात होना, और इनके बारे में हमेशा सोचना कि प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि ये सात चीज़ हम करें, तो हम उसको कैसे अच्छे से कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना और वैसा कार्य करना, इसको भी कहते हैं सत्ववृत्ति। तो ये था इसके बारे में। किसी का कोई प्रश्न है?
ठीक है, तो अगला परिच्छेद जो है उसमें प्रभुपाद जी इस सब का सारांश बताएंगे। अभी तक जो हुआ वो एक सारांश रूप में बताएंगे। पढ़िए। यदि कोई इस श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी द्वारा दिए गए उद्देश्य का कड़ाई से पालन करता है, उत्साही होना, दृढ़ निश्चय होना, धैर्यवान होना, अवांछित व्यक्तियों की संगति का परित्याग करना, नियमों का पालन करना तथा भक्तों की संगति करना, तो वह भक्ति में अवश्य प्रगति करता है। इस संबंध में श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की टिप्पणी है कि दार्शनिक चिंतन द्वारा ज्ञान का अनुशीलन, सकाम कर्मों की प्रगति द्वारा संसारी ऐश्वर्य का संग्रह तथा योग सिद्धियों अर्थात भौतिक पूर्णता की इच्छा, ये सब भक्ति के सिद्धांतों से सर्वथा विपरीत है। मनुष्य को इन अस्थायी कार्यकलापों के प्रति पूर्णतया उदासीन रहकर अपना ध्यान भक्ति के अनुष्ठानों की ओर मोड़ना है। भगवद्गीता के अनुसार या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः। जो समस्त प्राणियों के लिए रात्रि है वह आत्मसंयमी के लिए जागने का समय है, और जो समस्त प्राणियों के जागने का समय है वह अंतर्दृष्टा मुनि के लिए रात्रि है। तो यहाँ क्या शुरू हो गया? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती का तात्पर्य जो प्रभुपाद जी वापस उद्धृत कर रहे हैं। तो उत्साह के मतलब ये छह आइटम्स को इंट्रोडक्शन करने के लिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कि भौतिकवादी और अध्यात्मवादी व्यक्तियों के मनोवृत्ति और कार्यों में रात और दिन का अंतर रहता है। ये उनका इंट्रोडक्शन के रूप में कहते हैं कि वो गलत चीज के लिए उत्साह निश्चय धैर्य दिखाते हैं और भक्त जो होते हैं वो सही चीज के लिए उत्साह निश्चय धैर्य दिखाते हैं। तो ये पहला परिच्छेद हुआ। आगे पढ़िए। भगवान की भक्ति में व्यस्तता ही जीव का प्राण तथा आत्मा है, यही वांछित लक्ष्य है और मनुष्य के जीवन की परम सिद्धि है। मनुष्य को इस विषय में विश्वस्त भी होना चाहिए और उसे यह विश्वास भी रखना चाहिए कि भक्ति के अतिरिक्त सारे कार्यकलाप यथा मानसिक तर्क, सकाम कर्म या यौगिक प्रयास कभी कोई स्थायी लाभ देने वाले नहीं। भक्ति के मार्ग पर पूर्ण विश्वास से वंचित लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है, किंतु अन्य मार्गों का अनुसरण करने के प्रयास से मनुष्य केवल अशांत ही होगा। श्रीमद् भागवत के सातवें स्कंद में कहा गया है, मनुष्य को भली भांति आश्वस्त हो जाना चाहिए कि जिन लोगों ने अन्य प्रयोजनों के लिए कठिन तपस्या करने के उद्देश्य से भक्ति का परित्याग किया है, वे भले ही लाख उच्चतर तपस्याएं करें लेकिन उनके मन शुद्ध नहीं है, क्योंकि उन्हें भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा के विषय में कोई जानकारी नहीं है। तो इसमें उत्साह पहले दो शब्द तो दो वाक्यों में और बाकी सारा जो है वो निश्चय का वर्णन चल रहा है। आगे बढ़िए। सातवें स्कंद में ही आगे कहा गया है, भले ही मानसिक चिंतक तथा सकाम कर्मी बड़ी बड़ी तपस्याएं कर ले फिर भी वे पतित होते हैं, क्योंकि उन्हें भगवान के चरण कमलों के विषय में कोई जानकारी नहीं रहती, किंतु भगवत भक्तों का कभी पतन नहीं होता। भगवत गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अर्जुन को आश्वस्त करते हैं, कौन्तेय प्रति जानीह नमे भक्ता प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषित कर दो कि मेरा भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। ये किस लिए चल रहा है? निश्चय। हाँ, आगे पढ़िए। पुनः भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, नेहा विक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इस प्रयास का न विनाश होता है न इसमें कमी आती है। इस पथ पर थोड़ी सी प्रगति भी मनुष्य की भयंकर से भयंकर भय से रक्षा कर सकती है। तो ये निश्चय और धैर्य दोनों का वर्णन चल रहा है। आगे पढ़िए। भक्ति में सेवा इतनी विशुद्ध तथा पूर्ण होती है कि एक बार प्रारंभ हो जाने पर मनुष्य चरम सफलता की ओर बलपूर्वक खींचता चला जाता है। रियो, ये लाइन है, इसको ट्रिपल अंडरलाइन, डबल एस्टरिस्क, क्या कहेंगे, फोर कलर हाईलाइट ऐसे करना चाहिए। डिवोशनल सर्विस इज सो प्योर एंड परफेक्ट दैट वंस हैविंग बिगन वन इज फोर्सिबली ड्रैग्ड टू अल्टीमेट सक्सेस। समझ रहे हैं आप? मतलब भक्ति में आना हमारा चॉइस है। एक बार आ गया तो बलपूर्वक यश प्राप्त होने तक कैसा तुम्हारा सब हाल हवाल देखना, वो कृष्ण का काम है। इसीलिए वो कहते हैं अल्टीमेट ट्रक वंस बिगन
एक बार शुरू कर दिया इस प्रक्रिया को, वन इज फोर्सिबली ड्रैग्ड टू अल्टीमेट सक्सेस। जैसे मैंने जब पहली बार आश्रम ज्वाइन किया था, आश्रम क्या ज्वाइन किया था, पहले वॉइस मतलब बेस ज्वाइन किया था हमारा यूथ का, मैं सुबह 7-8 बजे उठने वाला आदमी था और ये बेस में शिफ्ट हो गया, सुबह 4 बजे उठ के चालू, सब लाइट्स ऑन, यू नो भक्त जोर जोर से गा रहा है कोई तो हरे कृष्णा बाथरूम में स्नान करते करते, और मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ वो कंबल को ओढ़ के कान को बंद करके अंदर ही अंदर थोड़ा और क्या कहते हैं तमोगुण का आस्वादन किया जाए, यू नो पूरा। तो एक डिवोटी आया, उसने ऐसे कंबल करके खींचा, प्रभु 4 बज गए उठो, तुम्हारे 4 बजे, मेरे को क्यों बता रहे हो, व्हाट डू आई वांट टू डू विद दिस। तो ऐसे 2-4 बार होने के बाद मेरे को करेक्शन मिला, बोला ऐसे नहीं सोते यहाँ पे, तुमको अगर अंदर रहना है बेस के अंदर तो ये सब विधि विधान पालन करने होते हैं यहाँ के। मैंने बोला देखो तुम्हारे पास और लुक्रेटिव ऑफर्स बहुत है, एक तो मेरा पढ़ाई बहुत अच्छे से होता है आप लोगों के संग में क्योंकि शुद्धता बनी रहती है, दूसरा कि प्रसाद बहुत अच्छा रहता है उसको मैं टाल ही नहीं सकता हूँ, और तीसरा है कि आपका जो फिलॉसफी और कल्चर है ना मेरे को बहुत अच्छा लगता है, आपके खास के डिवोटी लोग जो है वो बहुत ज़बरदस्त, ये तुम्हारे प्लस पॉइंट्स है। लेकिन सुबह 4 बजे उठने का जो काम है ना ये मेरा काम नहीं है, समझे मेरे को कंसेशन चाहिए ही चाहिए। तो उन्होंने बोला ठीक है तुमको कितने बजे आ सकते हो, मैंने बोला 5:30 बजे आऊँगा। तो ऐसे शुरुआत हुई थी, तो ऐसे धीरे धीरे करके वो क्लॉक उल्टा चला गया, अभी 4 बजे उठता हूँ। तो अभी 4 बजे नहीं उठता हूँ तो दुख होता है, ऐसा उल्टा परिस्थिति है, ऐसे लगता है क्या मूर्ख गधड़ा व्हाटएवर। तो किसी कारणवश अगर वो विधि विधान पालन नहीं हो पाया तो व्यक्ति को लगता है कि क्या चल रहा है मेरे साथ। तो ऐसे ही अपना आपका हर एक का अपना अपना एक स्टोरी रहेगा कि आप कैसे पहले ये करने के लिए एक रिलक्टेंट थे। कुछ लोग होते हैं वो चाय छोड़ नहीं सकते, बोलते चाय नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा लेकिन चाय नहीं छोड़ूंगा। तो उसका भी भगवान एक कुछ तो ट्रिक निकालते उसको धीरे धीरे वो कैसे। ऐसे हर एक का स्टोरी है ये हरे कृष्णा संस्था में, आपका भी खुद का स्टोरी है कुछ कुछ। वंस बिगन, एक बार चालू किया है, इट हेल्पलेसली ड्रैग्स द प्रैक्टिशनर टू अल्टीमेट सक्सेस। मतलब क्या है, वो प्रैक्टिशनर बोल रहा है इतना तेजी से इतना प्रगति नहीं करना है मुझे, प्लीज नहीं करना है, इतना पकड़ के उसको ले जाते हो तो दो ऐसे हाथ पैर हिला, जब छोटे बच्चों को देखा है ना आपने कभी कभी ऐसे करते हो, उसको मम्मी पकड़े दोनों को पकड़े खींच के ले गए, उसको बोलते फोर्सिबली ड्रैग टू अल्टीमेट सक्सेस। तो इसलिए भक्ति बहुत अच्छी है, भक्ति देवी के प्रति इतना कृतज्ञ रहना चाहिए हमको क्योंकि हम इतने गए गुजरे हैं, मतलब अगर हमको मौका दिया जाए ना अधपतन का चरम सीमा को भी लांघ कर चले जाएंगे हम लोग, मतलब ऐसा कैपेसिटी है हमारे अंदर सबका। लेकिन भक्ति ऐसी है वो ना केवल बचा कर रखती है, पोषण देती है, संगोपन करती है हमारा, ऊपर से अच्छी अच्छी प्रेरणा आनंद देकर थोड़ा क्या कहते हैं उसको फूस लगा कर या जो भी बहला फुसला कर कुछ कुछ जैसे बाता करती है ना किसी बच्चे को, उसको मेडिसिन नहीं लेना, उसको स्कूल नहीं जाना, उसको ये नहीं करना, उसको अपना टेंटरम थ्रो करना, वो सब करता रहता है। लेकिन भक्ति देवी जो भक्त का पोषण करती रहती है, हाँ कभी प्रेम देकर कभी ये फटका मारकर चुपचाप कर। तो धीरे 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 जब वो प्रगति करने लगता है, वो पीछे मुड़कर देखता है तो देखता है वो ठीक ही हुआ जो हुआ मेरे साथ, वो इतना मारा पीटा लेकिन ठीक था वो। तो ये कितना अच्छा है। और इसीलिए भक्ति करते समय जो दुख आते हैं हमारे जीवन में उनके प्रति इस भावना से देखना चाहिए कि ये प्रोसेस चल रहा है, फोर्सिबली ड्रैग्ड टू अल्टीमेट सक्सेस, ये प्रोसेस चल रहा है यहाँ पर मेरे साथ। हालांकि मुझे चाहिए नहीं इतना शुद्धिकरण, शुद्धिकरण अगले 10,000 जन्म में भी चलेगा हमको, ऐसा इतना घाई नहीं है कुछ भक्त अगर कृष्ण भक्ति प्राप्त करना वगैरह हो, कृष्ण का प्रॉब्लम है उनको इतने सारे डिवोटीज चाहिए, यू नो तो ऐसे हमारा मनोभाव है। लेकिन भक्ति देवी सोचती है इतना मर रहा है ये माया के जगत में, कुछ हो इसका भला, तो इसलिए भक्ति देवी पोषण देती रहती। तो ये एक भावना कि ये तत्व कितना अच्छा है, भक्ति एक बार शुरू करने के बाद वो आपको यश तक पहुंचा ही देगी,
जैसे हमने देखा है भरत महाराज के साथ कि उन्होंने इतना कुछ हुआ बीच में गड़बड़ भी, लेकिन छोड़ा नहीं, भक्ति देवी ने उनका पूरा पोषण अंत तक परिपक्वता तक करा दिया। दूसरा चीज है इस वाक्य से समझने लायक, वो है कि जब भी हमें लगता है कि ये पॉसिबल नहीं है अभी के लिए नहीं, तो हमें क्या करना चाहिए, उसका कम से कम 50% जो पार्ट अच्छा नहीं लग रहा है उसमें पार्टिसिपेट करना ही चाहिए। जैसे हमें जैसे मैं पहली बार जब सुना था कि जब भी तुम कपड़े पहनते हो भक्ति में आने के बाद, एक बार एक दिन पहना कपड़ा तो उसको धो देने का, मेरे को शौक ही लगा, बोला ऐसे वैसे हम तो 7-7 दिन धोते नहीं है, मतलब मैं फिर भी सात्विक था, हमारे हॉस्टल में साल भर नहीं धोते थे लोग, यू नो। तो मैंने बोला ये क्या है, इतना कपड़ा धोएगा कौन, वो भी हॉस्टल लाइफ में। लेकिन मैंने सोचा है, देखो ये लोग ना, इनके साथ रहना है तो ये तत्व तो पालन करना पड़ेगा। तो आज करूं कि 10 साल के बाद करूं, तो कर ही देते हैं, है कि नहीं। तो मैंने फिर उसको तुरंत चालू किया। क्या चालू किया, 2 दिन के आड़ करता था मैं उसको, मतलब 7 दिन था वो, उसको हाफ कर दिया मैंने कि हर 2 दिन पहनेगा उसको चाहिए। ऐसे तुरंत स्वीकार करो पहले, यू विल एटलीस्ट 50% जो तत्व आपको पता है करना ही है उसको, तो उससे क्या होगा, वो फोर्सिबली ड्रैगड का इंटेंसिटी तीव्रता जो है थोड़ा कम हो जाएगा आपके ऊपर, आपको ज्यादा दुख नहीं देगा वो प्रक्रिया। तो आप भी थोड़ा कोऑपरेट करो भक्ति देवी के साथ, तो आपको ऐसा लगेगा नहीं कि इसमें बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है, ऐसे नहीं लगेगा आपको, आप खुशी खुशी आगे बढ़ सकते हो। तो एटलीस्ट 50% कॉम्प्रोमाइज करो आपके ईगो का कि वो चलो मान लेते हैं तत्व कठिन है पालन करना, लेकिन कर देंगे। तो ये भी इसका अर्थ है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, तुमार सेवा या दुख हो या जाता, सेओ तो परम सुख, सेवा सुख दुख परम संपदा, नाशये अविद्या दुख। तो वो कह रहे हैं कि आपकी सेवा में जो भी तकलीफें आती हैं मुझे, वो कैसा है, ये मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है, खुशी है। क्यों, क्योंकि उस सेवा में संलग्न होने के कारण मेरा जो समय और प्रयास माया के चंगुल में व्यस्त हो रहा था, उससे मैं बच रहा हूँ, नाशय अविद्या दुख, और इसलिए मैं खुश हूँ कि मैं ऐसे प्रगति कर पा रहा हूँ। आगे पढ़िए। कभी कभी मनुष्य अपने सामान्य भौतिक कार्यों को त्याग कर भावावेश में आकर परमेश्वर के चरण कमलों की शरण ले लेता है, और इस तरह वह भक्ति के प्रारंभिक शुरुआत कर देता है। यदि ऐसा अपरिपक्व भक्त पतित हो भी जाता है तो उसकी कोई हानि नहीं होती। दूसरी ओर ऐसे व्यक्ति को क्या लाभ होता है जो वर्ण तथा आश्रम के अनुसार नियमित कर्म तो करता है लेकिन भक्ति नहीं करता। पतित भक्त का अगला जन्म किसी निम्न कुल में क्यों न हो, किंतु फिर भी उसकी भक्ति वहीं से फिर प्रारंभ हो जाएगी जहां उसने छोड़ी थी। भक्ति अहेतु क्या प्रतिहता है, यह न तो किसी संसारी कारण का फल है, न ही इसे किसी भौतिक अवरोध से स्थायी रूप से कम किया जा सकती है। अतएव भक्त को अपने कार्य के प्रति आश्वस्त होना चाहिए और उसे कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों के कार्यकलापों में अत्यधिक रुचि नहीं लेनी चाहिए। आजकल क्या हो रहा है ना, इतने सारे पुस्तकें लिखी जा रही है, वेबसाइट्स बन रहे हैं, इतने सारे अलग अलग लाइफ कोच, बिजनेस कोच और ऐसे अलग अलग प्रकार के लोग निकल रहे हैं, और वो इनका प्रभाव ऐसा होता है भक्तों के ऊपर भी। कभी कभी भक्त लोग सोचते हैं माय गॉड इसका बुक पढ़ना चाहिए, उसका फोरम ज्वाइन करना चाहिए, इसका कोचिंग लेना चाहिए, उसका ये करना चाहिए। तो प्रभा जी कह रहे हैं कि जितना तुम्हारा चेतना का शुद्धिकरण और उसके द्वारा होने वाला तुम्हारा सामाजिक योगदान, ये दोनों चीज जिस तरीके से भक्ति कर सकती है वैसा दूसरा कोई मार्ग नहीं कर सकता, इसीलिए तुम निश्चय पूर्वक इसको करते रहो, यह उनका कहना है। तो ये जो धैर्य और निश्चय का कंबाइंड वर्णन हुआ, आगे पढ़िए। निसंदेह सकाम कर्मियों, ज्ञानियों तथा योगियों में अनेक सद्गुण होते हैं, लेकिन भक्त के चरित्र में सारे सद्गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। इसके लिए बाह्य प्रयास नहीं करना होता,
जैसा कि श्रीमद् भागवत में पुष्टि की गई है, जिस व्यक्ति ने शुद्ध भक्ति विकसित कर ली है उसमें देवताओं के सारे सद्गुण क्रमशः प्रकट होने लगते हैं। चूंकि भक्त किसी भौतिक प्रपंच में रुचि नहीं रखता, अतः वह भौतिक दृष्टि से कलमशग्रस्त नहीं होता, वह तुरंत दिव्य जीवन के स्तर पर स्थिर हो जाता है। किंतु जो व्यक्ति संसारी प्रपंच में लगा रहता है, चाहे वह तथाकथित ज्ञानी हो, योगी हो, कर्मी हो, परोपकारी हो, राष्ट्रवादी हो या अन्य कुछ हो, वह महात्मा के उच्च पद तक ऊपर नहीं उठ सकता। वह दुरात्मा या संकुचित हृदय वाला बना रहता है। भगवद गीता के अनुसार महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः भजन्ति अनन्य मनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम्। हे पृथा पुत्र, जो मोहग्रस्त नहीं है ऐसे महात्मा दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहते हैं। वे पूर्णतया भक्ति में सेवा में निमग्न रहते हैं, क्योंकि वे मुझे आदि एवं अविनाशी पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के रूप में जानते हैं। ये किसका वर्णन चल रहा है कि क्यों सत्ववृत्ति पालन करनी है और किसका संग त्याग करना है, इसका सारा वर्णन चल रहा है। वास्तविक महात्मा बनने के लिए दैवी प्रकृति का आश्रय देने वाले लोगों का ही संग करना है, और उनकी संगति में भजंती अनन्य मनसः, कृष्ण की भक्ति करनी है अनन्य भाव से। अभी संक्षेप में अगला लास्ट परिच्छेद जो है वो सारा पूरा कंक्लूजन देंगे प्रभुपाद जी, कि भक्तों को अगर दैवी प्रकृति के संरक्षण में रहना है तो इन छह तत्वों को पालन करके अपनी आध्यात्मिक प्रगति को हमेशा बरकरार रखना चाहिए। चूंकि सारे भगवत भक्त उनकी परम शक्ति के संरक्षण में रहते हैं, अतः वह उन्हें भक्ति में सेवा के मार्ग से विचलित होकर कर्मी ज्ञानी या योगी के पद को ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह उत्साहात निश्चयात धैर्यात तत्तत् कर्म प्रवर्तनात् अर्थात धैर्य तथा विश्वास के साथ भक्ति के नियमित कार्यों को उत्साहपूर्वक संपन्न करना कहलाता है। इस प्रकार मनुष्य बिना व्यवधान के भक्ति में प्रगति कर सकता है। उसका अर्थ है कि अगर प्रगति नहीं हो पा रही है, अगर हमको लग रहा है कुछ तो जितना हो सकती थी उतनी प्रगति में अनुभव नहीं कर रहा हूँ, तो हमें इन तत्वों में जाकर देखना चाहिए कि अत्याहार प्रयास प्रजल्प इसमें से कुछ तो चल रहा है, और उत्साह निश्चय धैर्य इसमें से कुछ तो नहीं चल रहा है, और उसी के कारण मैं अपने प्रगति को रोक लगाए बैठा हूं। तो यह जो श्लोक था आज का तीसरा, यह जो छह तत्व बताए जा रहे हैं, ये हमारा पहला टेस्ट है, कंसिस्टेंसी टेस्ट, सातत्य बनाए रखना है। और इसीलिए जब भी हम इन छह चीजों के प्रति सजग नहीं रहते तो हमें दिखाई पड़ेगा कि हमारा सातत्य टूट गया, उस चीज का वो नहीं कर पाए हम। दूसरा, हमने चर्चा की कि उत्साह बनाए रखना, निश्चय प्राप्त करना, धैर्य बनाए रखना, इसके लिए क्या मदद करता है वो भी हमने बहुत सारा देखा कि कैसे इनको हम बरकरार रख सकते हैं। और तीसरा हमने देखा कि अलग अलग जो ये तत्व पालन करने हैं ये दिखते कैसे हैं व्यवहार में, जैसे मैंने बताया था कि संग त्याग कैसे दिखता है या सत्ववृत्ति कैसे दिखती है, ये व्यवहार पालन करने से सत्ववृत्ति बढ़ती है, ऐसे तो ये हमने वर्णन बताया। किसी का कोई प्रश्न है? तो इस श्लोक में संग त्याग और सत्ववृत्ति का वर्णन आया था, और उसके पहले श्लोक में भी क्या आया था, जनसंगश्च। तो ये इतना तीन बार बोला गया है कि जिसके बारे में हुआ एसोसिएशन, तो अभी ये एसोसिएशन कैसे लिया या दिया जाता है उसका वर्णन होगा चौथे श्लोक में। तो सारा जो श्लोक है चौथा वो किसके बारे में है, हाउ टू एसोसिएट विद डिवोटिस, भक्तों के साथ संग करना मतलब क्या करना है, उसका वर्णन अभी शुरू होने जा रहा है। माता जी का प्रश्न है कि ये छह हम पालन करने का बहुत प्रयास करते भी हैं, लेकिन बीच बीच में टूट जाता है तो क्या करना चाहिए। तो मैंने एक बार उदाहरण दिया था आपको कि क्षत्रिय के जैसा रहना चाहिए, स्पोर्टिव,
जैसे युद्ध में कोई व्यक्ति जाता है तो सिर्फ कोपिन पहन के नहीं जाता उधर, वो सारा शिरस्त्राण वगैरह धारण करके युद्ध युद्ध वगैरह सब लेके जाता है, आक्रमण चालू हो जाता है उसके बाद। और उसको पता है कि मुझे बाण लगने वाले हैं, कभी मुझे परास्त होना पड़ेगा, कभी हार भी हो जाएगी किसी किसी युद्ध में, लेकिन उन चीज़ों के द्वारा उसका जो उत्साह है, मतलब उसका जो कार्यरत रहने का जो क्षमता है उसको कम नहीं करने देता। तो ऐसे हमें पता रहना चाहिए, भक्ति करना मतलब माया के साथ युद्ध पुकारने का काम है, और माया हर कोई प्रयास करेगी यहाँ से वहाँ से कहीं ना कहीं से। तो हमें क्या करना है, हम थोड़ा अगर कुछ लग गया दुख या कुछ हो गया तो अपना टेंट में जाकर थोड़ा मलम पट्टी कर कर, डॉक्टर के साथ बात कर कर, या थोड़ा और युद्ध नीति कौशल्य सीख कर, या अलग कुछ नए वेपन्स युद्ध क्या कहते हैं शस्त्र अस्त्र धारण कर कर, और फिर नया स्ट्रेटेजी बनाकर नीति युद्ध नीति बनाकर वापस आना चाहिए मैदान में उसी उत्साह के साथ। और वो एनिमी को भी लगना चाहिए अरे वापस आ गया इसको इतना मार पीट के भगाया था घर जाने के लिए। तो इसको कहते हैं स्पोर्टिव स्पिरिट। तो ये पहला जरूर हमें पता रहना चाहिए मेरा मार पिटाई बहुत होने वाला है, ठीक है मान लिया नो प्रॉब्लम। वंस यू गेट सेटल्ड विद दैट फिर अगला वाला बात कर सकते हैं। अगर हम इससे ही सेटल्ड नहीं है हमारे हमको लग रहा है कि नहीं नहीं ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, तो फिर उस वो झगड़ा नहीं करना है हमको मन के अंदर। दूसरा है कि हमारे दुर्ग बनाने चाहिए, क्या कहते हैं उसको, क्रिएट योर ओन सिटाडेल्स। ऐसे दुर्ग बनाओ कि उसके अंदर रह के जब आप मारामारी करते हो तो आप हमेशा संरक्षित रहते हो। तो दुर्ग किसको कहते हैं, तो ये कुछ ऐसे क्रिटिकल डिवोटी एसोसिएशन रहता है, क्योंकि उनके बीचों बीच रहते हैं और हम फाइट करते हैं तो हमें कॉन्फिडेंस रहता है कि ठीक होएगा सब चीज़। या दुर्ग बनाने का जो काम होता है, हमारा जो अनुष्ठान होता है ना जिसमें रहकर हम भक्ति करते हैं, उसको हिलने नहीं देने का कभी। क्यों? क्योंकि वो अनुष्ठान अगर हिल जाता है तो व्यक्ति पूरा एकाकी हो जाता है, वो ऐसा लगता है कि उसको निकाल दिया भैया। तो माया यही चाहती है कि पहले तुमको डिवोटी एसोसिएशन में से निकालो फिर तुम्हारा चटनी बनाओ। तो इसलिए वो अनुष्ठान जो होते हैं कुछ विशिष्ट उनको तोड़ने नहीं देना। तीसरा चीज कर सकते हैं उत्साह बनाए रखने के लिए, हाफ एन आवर अ डे, 2 hours पर वीकेंड एंड 15 days अ ईयर हमें आत्म परीक्षण स्केड्यूलिंग प्लानिंग विजनिंग ऐसे कामों के लिए बचा कर रखना है। कभी कभी क्या होता है, युद्ध खेलने में व्यक्ति इतना गुल हो जाता है कि वो स्ट्रेटेजी क्या है उसको वही पता नहीं है, वो क्या चल रहा है मेरे साथ, कहाँ मैं घायल हो रहा हूँ, कहाँ मेरे को स्ट्रेंथ मिल रही है, कहाँ मेरे को रीएडजस्ट करना चाहिए मेरे स्ट्रेटेजी को, उसके लिए हम समय नहीं देते, हम माइंडलेसली करते रहते हैं हर एक दिन को। तो ऐसे नहीं करना चाहिए, अपना खुराक खा के फिर मारामारी करना चाहिए हमेशा। ठीक, यस, यस, खास करके हमें हमारे वरिष्ठों को जाकर अपने रिपोर्टिंग्स देते रहने चाहिए, क्योंकि हमें जो मेन फ्यूल लगता है वो है सराहना, फ्रॉम अ सराहना नहीं बोलूँगा मैं उसको, कहेंगे हम एक्नॉलेजमेंट। ऐसे अप्रिसिएशन की ज़रूरत नहीं है, एक्नॉलेजमेंट भी काफ़ी है कि वो बोलते हैं कि अच्छा ये कर दिया बहुत सुंदर, तो ऐसे करो ऐसे नहीं करो जो भी है। तो इसके बारे में शेमलेस रहना चाहिए, निर्लज्ज रहना चाहिए, आगे बोलो कि मैंने ये किया, ये आगे करने वाले हैं, ये हेल्प चाहिए। ये जो 3 चीज़ें होती हैं ये हमेशा हमें करनी चाहिए, और कभी अप्रिसिएशन कम पड़े तो उनको बोलना भी चाहिए थोड़ा कम पड़ रहा है आपको ठीक लगा कि नहीं लगा मुझे समझ में नहीं आया, अब थोड़ा बताएंगे इसके बारे में थोड़ा विशद करके। ये निर्लज्जता क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो हमारा ऐसा स्तर है
लेकिन हम भौतिक चीज के लिए नहीं मांग रहे हो, हम चाहते हैं कि हम प्रेरित हो कि और करें सेवा को या साधना को जो भी। तो ये एक है तरीका कि जो चाहिए वो मांगो। शुद्ध भक्त होने का दावा करने के कारण अपने अशुद्ध भक्ति को अप्रकट रखते हुए उसके साथ क्या कहेंगे झूंझते मत बैठो। मतलब जैसे ध्रुव महाराज थे, वो सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड थे ना एकदम, बोलते कि मेरे को ऐसा चाहिए, तत्वज्ञान पता है बाकी सारा लेकिन ऐसा चाहिए। तो अभी के स्तर पर हमें ऐसे करना चाहिए, इट्स कॉल्ड बीइंग ऑनेस्ट। तो भगवान से मांगना है कि नहीं मांगना है? मांगना है, बिल्कुल मांगना है। जो मन में विचार चल रहे बोलने की नहीं, बोल देने हैं, लेकिन एक ही क्लॉज डालना है कि अगर आपकी इच्छा हो तो पूरा करो। ऐसे दादागिरी नहीं करना है भगवान को कि मैंने इतना सेवा किया इसलिए पूरा करो। तो हम जो चल रहा है मन में वो बोलना चाहिए जाकर, दैट्स बीइंग ऑनेस्ट। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रश्न कैसे पूछने चाहिए अगर पूरा समझ में नहीं आया है? तो पहला तो क्या है, क्लास कैसा होता है, वो गाय जाके चर के आती है ना, वैसा क्लास होता है। इतना चरने को मिलता है, बाप रे। फिर उसके बाद घर जाके उसको क्या करना चाहिए, चरवण करना चाहिए थोड़ा अरवंत। तो नोट्स लेके या अन्य टीकाएं लेकर बैठकर थोड़ा फिर अपने प्रश्न निकालने चाहिए उसमें से कि क्या एग्जैक्टली समझ में नहीं है। और खास करके आपके जो काउंसलर्स हैं, आप उनको अगर पूछते हो कुछ कुछ प्रश्नों के लिए, आप देखोगे कि उनके पास बहुत सारे आपके जीवन के अनुरूप साक्षात्कार रहते हैं, वो आपको बताएंगे वो। और साथ ही में ये एक भाग हुआ कि क्लास में जो सुनते हैं वो ऐसा सुनामी के जैसा रहता है एकदम, इतना सारा अचानक आ जाता है। तो हमें हतोत्साहित होना नहीं उसके लिए, वो नेचर ही है ऐसे क्लासेस का कि ऐसे होते हैं वो। दूसरा होना चाहिए, हमारा एक स्टडी पार्टनर होना चाहिए। तो स्टडी पार्टनर दो लोग या तीन चार लोग साथ में आकर जब स्टडी करते हैं, जब खुद का एक बार पढ़ के हो गए फिर आके साथ में चर्चा करते हैं, तो कृष्ण भक्ति तत्व के चर्चा का स्वरूप ऐसा है कि वो अन्य भक्तों के साक्षात्कार और हमारे साक्षात्कार को कनेक्ट करने के बाद कुछ और कुछ बनता है बहुत अच्छा, जो केवल अकेला पढ़ाई से नहीं बनता है। हमारे एक किचन में सेवा करने वाले भक्त हैं, उदाहरण देते हैं कि पत्तल है उसमें होल्स है, अभी उसमें खिचड़ी डाला तो निकल जाता है, दूसरा एक पत्तल है उसमें भी होल्स है, लेकिन ये पत्तल को इसके ऊपर रखा तो दोनों का होल मैच नहीं होता है, वो अलग अलग रहता है उधर, फिर उसमें खिचड़ी डाला तो टिका रहता है वो ना, देखा है। तो ये भक्तों के संगति का एक अच्छा ये है, कृपा मिल रही है भगवान की, लेकिन हमारा पात्र में होल्स है, पात्रता नहीं है, लेकिन हमारी पात्रता दूसरी की पात्रता से अलग है, वो दो साथ में आकर बैठते तो कृपा धारण कर सकते हैं भगवान की। तो इसलिए शास्त्र जो होते हैं वो पठन करना, मतलब रिसाइट करना, पढ़ना नहीं केवल, और दूसरा उसकी चर्चा करना, डिस्कशन। सो इट्स बाय हियरिंग एंड बाय डिस्कशन जो सबसे ज्यादा हमें फायदा होता है शास्त्र पठन करने का। तो ऐसे हमें करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद की जय। उपदेशामृत की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि गौ।